जैसा आप लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल की शाम को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जेल अथॉरिटीज़ अम्फाला से कि कुछ शख्स ने एक टेनिस बॉल को बाउंड्री वॉल के ऊपर से फेंका था जेल की। उस टेनिस बॉल के अंदर से एक मोबाइल फ़ोन और एक सिम कार्ड बरामद हुई थी। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही हमारी पुलिस टीम रवाना हुई, उन्होंने उस मोबाइल फ़ोन को सीज़ किया एंड हमने FIR दर्ज की एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट की गई थी। उस टीम ने तुरंत कार्रवाई स्टार्ट की, CCTV फुटेज एनालाइज करी। उस फुटेज में हमें 2 लोग मोबाइल ये मोटरसाइकिल पे हमें दिखे जिन्होंने बॉल को फेंका था जेल की बाउंड्री वॉल के ऊपर। हमने टेक्निकल टीम्स की मदद लेते हुए तुरंत उस सिम कार्ड का इंफॉर्मेशन पता की कि किसके नाम पे है सिम। उस इंसान को हमने रातों रात अरेस्ट किया, मोहम्मद अकील वानी, रेसिडेंट ऑफ बेली चराना। उसके बयान पे हमें पता चला कि उसने ये सिम अपने दोस्त हर्ष सिंह, रेसिडेंट ऑफ विक्रम चौक को दी थी। उस हर्ष सिंह को हमें खोजने में थोड़ा वक्त लगा, उसे हमने अगले दिन शाम में गिरफ्तार किया। उसके बयान पे फिर हमें पता चला कि उसका एक दोस्त है विकास सिंह एट द रेट राजा, रेसिडेंट ऑफ गौ मनासा, जिसके साथ मिलके उसने साजिश रची थी जेल में अपने दोस्त को सिम कार्ड पहुंचाने की। तो विकास सिंह राजा के लिए हमने सर्च जारी की थी, इस पर हमारी 2-3 टीम्स काम कर रही थी साइमल्टेनियसली। तो इसमें एक हफ्ता हमें लगा, कुछ टाइम लगा उसे खोजने में, बट हमने कल रात को उसको अरेस्ट किया एंड उससे हमें ये पता चला कि जो राजा है घो मनासा का रहने वाला, उसका एक मोहल्लेदार विश्वजीत सिंह, रेसिडेंट ऑफ घो मनासा, वो एक मर्डर केस में अम्फाला जेल में 1 साल से अंदर है। तो इन्होंने मिल के विश्वजीत को मदद करने के लिए, उसको सिम प्रोवाइड करने के लिए ये साजिश रची थी एंड इसी को उसने हर्ष और अकील के साथ मिलके ये प्लान बनाया कि सिम प्रोवाइड की जाए उसको। बट जेल अथॉरिटीज़ के अलर्ट होने के वजह से इससे पहले उस तक सिम पहुंचती, हमें पहले ही उसे सीज़ कर लिया गया एंड अभी हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है टू अनअर्थ अगर और इसमें कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है या कोई और एंगल है, तो इसमें हमारी जांच अभी चालू है। सर, टोटल कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं और कितने इन्वॉल्व टोटल कितने हैं इसमें? अभी इसमें 3 लोग अरेस्टेड हैं, 3 की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, बट अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है टू अनअर्थ अगर और कोई इसमें एंगल है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा अगर हमें जैसे ही कुछ पता चलता है इसमें। और सर, इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड पुराना जो है कोई रख किया है मतलब? जो विकास है राजा, उसके खिलाफ़ एक पुराना FIR है रेप एंड असॉल्ट केस का, उसमें वो जेल में भी था कुछ टाइम बंद, वहाँ पे ये विकास के साथ ही, विश्वजीत के साथ ही बंद था। तो उस पर भी, और इनके पास हिस्ट्री एंड इनका कहीं और कोई लिंक है, उस पर अभी जांच चालू है। फिर पंजाब में जो मर्डर हुआ है, क्या इन्वॉल्वमेंट उसमें भी देखी जा रही है लोगों की कुछ ऐसा? वो ऐसा अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी हम लोग और इस पे जांच पड़ताल करेंगे, अगर कुछ पता चलेगा तो आप लोगों को बताया जाएगा।